आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 582वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। 581वें एपिसोड हमने आपको दिखाया, इसके पहले पॉलिटेक्निक कॉलेज की दुर्दशा हमने आपको दिखाई थी, किस तरह यहां पर गिट्टी पड़ी हुई थी, यहां नालियां खुदी हुई थी। यहां आप देख सकते हैं नाली यहां खुदी गई थी, उस नाली को समतल कर दिया गया है। हालांकि समतल अभी पूरी तरह से नहीं हुआ है, इसमें अभी पानी डलना बाकी है, पानी डल के रोलर चलेगा क्योंकि ये खेल का मैदान है। नगर पालिका परिषद इसे करा रही है। होना ये चाहिए था कि प्राचार्य, पॉलिटेक्निक कॉलेज महाविद्यालय के प्राचार्य को, आयोजकों से कहना चाहिए था कि आयोजक इसको समतल करके जिस स्थिति में लिया था उसी स्थिति में वापस करें। किनारे आपको दिख रहा होगा गिट्टी भी पड़ी हुई है, लोगों को गिट्टी चुभ रही होगी। हम आपको एक पूरा चक्कर लगाते हैं, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय बाबा पांडे से भी हम चर्चा करेंगे, वे भी यहां पर मौजूद दिख रहे हैं। और शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय के जन भागीदारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनसे बात करेंगे कि क्या यहाँ पर हुआ है और वे क्या देख रहे हैं। पॉलिटेक्निक मैदान आपको दिख रहा होगा, गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ये दिया जाता है और जिसके चलते खेल का मैदान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। अभी लगभग 10 दिन पहले यहाँ एक निजी तौर पर आयोजन कराया गया, आयोजन के उपरांत पूरा मैदान दुर्गंध से बजबजा रहा था, गंदगी यहाँ पर बुरी तरह चारों तरफ पसरी हुई थी। इसके साथ ही गिट्टी छोटी छोटी सी यहाँ डाल दी गई थी, बारिश का समय था, गिट्टी डाल दी गई थी। अब उस गिट्टी पर खिलाड़ी गिरकर चोटिल हो रहे थे, साथ ही पूरे मैदान में नालियां खोद दी गई थी पानी निकालने के लिए, उन नालियों को भरने का काम भी किया जा रहा है। इधर देखा जाए तो ये पूरा का पूरा काम, ये पूरी जवाबदेही जिम्मेदारी पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन की थी। यहाँ आप देख सकते हैं नगर पालिका परिषद के द्वारा ये काम कराया जा रहा है। दरअसल पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन को चाहिए था कि आयोजकों को वे चिट्ठी लिखकर बताते, चिट्ठी लिखकर कहते कि जिस हालत में मैदान लिया गया उसी हालत में मैदान को वापस किया जाए। यहाँ आपको हम दिखा रहे हैं ट्रैक्टर में पूरा कचरा नगर पालिका परिषद के द्वारा भरा जा रहा है। पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन अर्थात पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य इस पूरे मामले में पूरी तरह मौन साधे हुए हैं। ये आपको हम दिखा रहे हैं, पॉलिटेक्निक कॉलेज के प्राचार्य का घर यहीं करीब में ही है और नगर पालिका परिषद की पूरी टीम काम करती हुई दिख रही होगी। पूरे मैदान में जेसीबी चलवाकर युवा नेता अजय बाबा पांडे के द्वारा सामने से ये काम कराया जा रहा है। चूंकि वे खिलाड़ियों के प्रति बहुत संजीदा रहते हैं और अजय बाबा पांडे के द्वारा ये यहाँ पर पूरे मैदान की सफाई कराई गई, मैदान को यहाँ पर जितनी भी गंदगी थी उसे निकलवाया गया और नालियाँ खुदी हुई थी उन नालियों को समतल कराने का यहाँ पर उनके द्वारा प्रयास किया जा रहा है नगर पालिका परिषद के सहयोग से। कितनी विडंबना कही जाएगी कि यहाँ जो भी आयोजन हुए वे शैक्षणिक रूप से तो उस आयोजन को नहीं माना जा सकता है, पर उस शैक्षणिक गैर शैक्षणिक गतिविधियों के लिए ऐसे किराए से दिया गया और आयोजकों को पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन के द्वारा वैसे ही बरी कर दिया गया, उनसे कोई सुधार कार्य नहीं कराया गया। जिस हाल में, जिस स्थिति में पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रशासन के द्वारा इस मैदान को आयोजकों को सौंपा गया था, उस तरह का मैदान जिस हाल में जिस स्थिति में सौंपा गया था उस स्थिति में वापस नहीं लिया गया। और इस पूरे मामले में विपक्ष में बैठी कांग्रेस जबड़े से ले हुए है। वास्तव में कांग्रेस के प्रवक्ताओं को, कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना को, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष इमरान पटेल को सिवनी शहर से ऐसा लगता है कोई सत्ताधारी भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष आलोक दुबे, दोनों मंडल शहर के दो मंडल हैं, दोनों मंडलों के अध्यक्ष संजय सोनी और अभिषेक दुबे, इन्हें भी बहुत ज़्यादा लेना देना सिवनी शहर से नहीं है। कोई भी खिलाड़ियों के पक्ष में खड़ा होता दिखता नहीं है। इस तरीके से अगर खिलाड़ियों की उपेक्षा की जाएगी और खिलाड़ियों से फिर अपेक्षा की जाए कि वे बेहतर परफॉर्म करें तो ये कैसे संभव हो पाएगा।
भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता डिग्री कॉलेज की जनभागीदारी समिति के अध्यक्ष अजय बाबा पांडे यहाँ मौजूद हैं। हम उनसे बात करते हैं, पूछते हैं कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। आइए बाबा पांडे से चर्चा करते हैं। विगत दिनों यहाँ पे अपने जिले का बहुत आयोजन हुआ था, रामकथा का आयोजन हुआ था। भद्रा चार्ज महाराज यहाँ आए थे, उससे पहले भी ग्राउंड की जमीन लेवल पूरी सफाई की गई थी, बहुत गंदा था और गाजा घास उगी हुई थी। उनके जाने के बाद जो टेंट लगा था उस कारण कुछ अनबैलेंस ग्राउंड वगैरह गड्ढे हो गए थे, कुछ नालियाँ बनी थी। हमने यहाँ शनिवार को काम लगाए थे, शनिवार को काम लगाने के बाद यहाँ छुट्टी पा गई, पानी गिर गया, पानी कारण यहाँ पे विगत दो तीन दिन से यहाँ पे काम बंद रहा कि पानी में काम करते थे वो गड्ढे होते। लेकिन विगत कल रात में आपके समाचार के माध्यम से जब अवगत कराया गया जनता को, तो हमने भी सुबह से यहाँ पे नगर पालिका सीओ से बात करके और हमारे वार्ड जितने कर्मचारी की कोई भी वार्ड में काम नहीं करेगा, आज यहाँ पे जितना ग्राउंड कचरा है और जो डस्ट पड़ी है उसको भी जेसीबी के माध्यम से इकट्ठा करके इस ग्राउंड से बाहर करी जाएगी। पनी यहाँ कुछ बच गई थी, वो पनी भी आज शाम तक पूरी उठ जाएगी। कचरा जहाँ तक आज है तो एक पहुँच भी यहाँ से बिना जाएगा। यहाँ बहुत सारी शराब की बोतलें भी मिली जैसा कर्मचारियों का कहना था। शराब की बॉटल जब मैं सुबह आया था यहाँ कम से कम बॉटल में भर रही होगी। मतलब पॉलिटेक्निक प्रशासन जो है के प्राचार्य, चूंकि उनका घर बिल्कुल ठीक सामने यहाँ ये दिख रहा है, उसके बाद अगर यहाँ पर इस तरीके की अनैतिक गतिविधियाँ, इस मुद्दे में प्रचार दो मेन गेट है, छोटा गेट है, रात में खुला कर देते हैं। यहाँ से बाइक में लोग बाइक में अंदर ले आते हैं, जिस गार्डन जगह पर अपने साफ कराई है वहाँ जाके बैठ जाए, गेट भी अगर बंद कर दें तो यहाँ के आने जाने कम से कम समय। तो इस तरीके की जो घटनाएं घट रही हैं, यहाँ शराबखोरी हो रही है, मैजले आते हैं, गाली गलौज करते हैं, लड़ाई झगड़ा, आपको नहीं लगता, आप भी इसी वार्ड के निवासी हैं, आपको नहीं लगता कि प्राचार्य को इसको विश्वास में लेना चाहिए? तो सुरक्षा गार्ड जो सुरक्षा गार्ड हैं, वो सुरक्षा गार्ड क्या करते हैं रात भर सिर्फ? बिल्कुल सही बोल रहे हैं आप। और ये जो गर्ल्स हॉस्टल आपको दिख रहा है, सुरक्षा किसके भरोसे है जब उसके ठीक सामने यहाँ प्रिंसिपल को यहाँ पे बकायदा पुलिस की हेल्पलाइन चाहिए, नाइट को एक दो बार गश्त होना चाहिए, चीता को यहाँ पे एक दो बार घूमना चाहिए। ये प्रिंसिपल थोड़ा सा सब सामने रह रहे तो रोज से फोन लगा रहे हैं, क्योंकि यहाँ प्रकाश की पर्याप्त व्यवस्था नहीं है। आप इसी वार्ड के हैं, और क्या यहाँ हाई मास्ट लगाया जा सकता है? अगर पॉलिटिक कॉलेज मुझे लिख के दे देगा मैं नगर पालिका से हाई मास्क सेंक्शन करा दूंगा, एक महीने के अंदर लगवा दूंगा। और जब हाई मास्क लग जाएगा तो फिर ये शराब पूरी वगैरह बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन प्रिंसिपल को थोड़ा एक्शन ले, पुलिस को बोलना पड़ेगा अपने। कुल मिलाकर प्राचार्य और प्रशासन पॉलिटेक्निक प्रशासन, और जब हाई मास्क लग जाएगा तो फिर ये शराब पूरी वगैरह बंद हो जाएगी, कम हो जाएगी, लेकिन प्रिंसिपल को थोड़ा एक्शन ले, पुलिस को बोलना पड़ेगा अपने। कुल मिलाकर प्राचार्य और प्रशासन पॉलिटेक्निक प्रशासन आपने सुना अजय बाबा पांडे का क्या कहना था। अजय बाबा पांडे का कहना था कि समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में लिमटी के लालटेन के एपिसोड में उनके द्वारा जब देखा गया कि पॉलिटेक्निक कॉलेज के इस ग्राउंड के खेल के मैदान की दुर्दशा है, तो उनके द्वारा फिर आगे आकर नगरपालिका परिषद से चर्चा कर, चूँकि उनकी माताजी यहाँ से पार्षद हैं, इसी वार्ड से पार्षद हैं, तो उनके द्वारा यहाँ नगरपालिका परिषद से चर्चा करने के बाद यहाँ सफाई का काम आरंभ कराया गया। देखिए गिट्टी भी उनके द्वारा उठवाई जा रही है ताकि यहाँ जो खिलाड़ी हैं वे चोट उन्हें ना लग पाए। आपको देख रहे होंगे सामने अजय बाबा पांडे खड़े हुए हैं, और उन्होंने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया से चर्चा के दौरान बहुत बेबाकी के साथ इस बात को बताया, आधी ट्रॉली शराब की बोतलें उनके द्वारा सामने से पिनवाई गई हैं। एक बार फिर हम आपको दोहराते हैं, आधी ट्रॉली शराब की बोतलें उनके द्वारा सामने से बिनवाई गई हैं मैदान से। आधी ट्रॉली, ट्रैक्टर की आधी ट्रॉली क्या होती है समझा जा सकता है। जिलाधिकारी क्षितिज सिंघल, जिला पुलिस अधीक्षक, आबकारी अधिकारी, आप सबके लिए एक बड़ी चुनौती इसे माना जा सकता है कि शहर के अंदर पॉलिटेक्निक कॉलेज में शराबखोरी हो रही है, गर्ल्स हॉस्टल सामने है, प्राचार्य निवास सामने है, उस सब के बाद भी इन्हें रोका नहीं जा पा रहा है।
इतना बड़ा आहता शायद ही कभी आपने देखा हो। ये यहाँ देखिए, इस नाली में मिट्टी डाली गई है, पर ये मिट्टी अभी बहुत, इसमें पानी के छिड़काव की ज़रूरत है, रोलर चलवाने की ज़रूरत है। सवाल यही है कि जब यहाँ पर जेसीबी मशीन से या किसी दूसरी मशीन के जरिए नाली खोदी जा रही है, तो सामने जो प्राचार्य निवास दिख रहा है, प्राचार्य वहाँ पर मूक दर्शक बने बैठे थे। यक्ष प्रश्न यही है, क्या वे मूक दर्शक बने बैठे थे? क्या उन्हें जिस संस्थान के प्राचार्य का प्रभारी प्राचार्य बनाया गया, क्या उनकी नैतिक जवाबदेही ये नहीं थी कि उनके द्वारा यहाँ खेल के मैदान को इस तरह से बर्बाद करने से रोका जाता? निश्चित तौर पर वे, ये देखिए यहाँ पर पूरी की पूरी किस तरह से यहाँ पॉलिथिन दबी हुई आपको दिखाई दे रही होगी, और दुर्गंध भी यहाँ जबरदस्त तरीके से उठ रही है। यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ पर निकाल रहे हैं, पॉलिथिन बिछी हुई है। प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं, जिलाधिकारी को चाहिए, ये बता रहे हैं कि यहाँ पूरी दब गई है, पूरी की पूरी जो मैदान में कीचड़ के अंदर पॉलिथीन दब गई और बहुत दुर्गंध यहाँ से उठती हुई प्रतीत हो रही है। ये देखिए यहाँ पर सफाई करवाई जा रही है, इनके द्वारा ये साफ सफाई यहाँ पर की जा रही है, सभी के द्वारा, नगरपालिका परिषद के द्वारा यहाँ पर सफाई साफ सफाई की जा रही है। खिलाड़ी स्वयं आते हैं सुबह, साफ सफाई करते हैं। यक्ष प्रश्न यही है, इतने बड़े परिसर में जिस पॉलिटेक्निक कॉलेज का को लग संस्थान है, उसके प्रभारी प्राचार्य, देखिए प्रभारी प्राचार्य का हम आपको घर दिखा रहे हैं, प्रभारी प्राचार्य के घर के ठीक सामने जेसीबी चलती है, मशीनें चलती हैं, और मैदान को खोद दिया जाता है और वे मूक दर्शक बने रहते हैं। वास्तव में उन्हें इस तरीके का काम अगर उनके नजरों के सामने हुआ, तो उन्हें इस पद पर बने रहने का नैतिक अधिकार शायद उन्हें नहीं है, वे नैतिक अधिकार खो चुके हैं। इस मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना को दलगत, वे स्वयं जिला क्रिकेट संघ के अध्यक्ष भी हैं, उन्हें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर प्रचार के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अनुशंसा करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। गर्ल्स हॉस्टल सामने दिखाई दे रहा है, और यहाँ ये गर्ल्स हॉस्टल का सिक्योरिटी यहाँ पर रूम बना हुआ, और एक भी सिक्योरिटी गार्ड आपको यहाँ दिखाई नहीं दे रहा होगा। वास्तव में बहुत बड़ी विडंबना है। सिवनी में सत्ताधारी निरंकुश होते जा रहे हैं, लोगों का कहना है, और लोगों का ये भी कहना है कि सत्ताधारी निरंकुश इसलिए होते जा रहे हैं क्योंकि विपक्ष पूरी तरह मौन या सदा हुआ दिखता है। हमने दिखाया आपको, पूरा आपने देखा कि यहाँ किस तरह से काम चल रहा था, और काम होने के बाद अभी भी काफ़ी गिट्टी यहाँ पर है। यहाँ अगर क्रिकेट खेला जाएगा, बॉल इस पर पड़ेगी, फुटबॉल अगर खेली जाएगी, बॉल पड़ेगी, तो उसके बाद वो उछट कर गिट्टी उचकेगी, खिलाड़ी चोटिल होंगे निश्चित तौर पर। पीछे हमारे प्राचार्य का निवास ठीक सामने ये दिख रहा होगा। इस तरफ अगर आएंगे तो गर्ल्स हॉस्टल है यहाँ पर, और यहाँ जैसा अभी भारतीय जनता पार्टी के नेता अजय बाबा पांडे ने आपको बताया, आधी ट्राली शराब की बोतलें निकली है, वाकई शर्मनाक है। अगर प्राचार्य से संभल नहीं पा रहा है, पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रभारी हैं वे प्राचार्य, अगर नहीं संभल पा रहा है, जिला कलेक्टर को चाहिए कि उन्हें हटाने की अनुशंसा कर दी जाए। यहाँ लोग रहते हैं और रात के समय यहाँ शराब खोरी होती, इतना बड़ा खुला आहता आपने शायद कहीं देखा होगा, कितना बड़ा आहता। और यहाँ ये पीछे आपको पेड़ दिख रहा है, यहाँ मराही माता का मंदिर, हनुमान मंदिर, कपीश्वर हनुमान मंदिर, और गर्ल्स हॉस्टल लगा हुआ है। लोग यहाँ से आते जाते थे, श्रद्धालु आते जाते थे। करीब 8-10 फीट की दीवार खड़ी कर दी गई है, दीवार तो यहाँ खड़ी कर दी गई है, पर ये गेट हमारे पीछे का खुला रहता है। पॉलिटेक्निक के दोनों गेट खुले रहते हैं। सवाल यही है, कांग्रेस मौन क्यों है? आखिर कांग्रेस इस बात को पूछना क्यों नहीं चाहती? कांग्रेस के जिलाध्यक्ष राजकुमार खुराना बहुत पास में रहते हैं, करीब में रहते हैं। नगर अध्यक्ष इमरान पटेल यहाँ करीब में रहते हैं। आखिर क्या वजह है कि कांग्रेस ऐसे संवेदनशील मामले में मौन रहती है? राजकुमार खुराना, इमरान पटेल, सिवनी शहर की जनता आपसे जानना चाहती है, आप दोनों के मौन का कारण क्या है? कोई यहाँ पर बहुत अच्छा काम नहीं हो रहा है। सुबह सवेरे जब लोग घूमने आते हैं तो यहाँ पर शराब की बोतलें पड़ी मिलती हैं,
और ये अगर इतना बड़ा खुला आहाता बना दिया गया है तो आप आबकारी विभाग से विपक्ष में बैठे हैं, आपको पूछने का फर्ज बनता है। कलेक्टर से आप ये कह सकते हैं कि पॉलिटेक्निक के गेट बंद किए जाए, रात को 8 बजे के बाद आवाजाही की आवश्यकता क्या है। दरअसल होता यही है, असामाजिक तत्व आते हैं यहाँ मैदान पर बैठ के, यहाँ बैठ के शराब पीते हैं और यहाँ उसके बाद उनके बीच झगड़े होते हैं, लड़ाई होती है, कभी किसी के जूते टूटे हुए मिलते हैं, कभी किसी की जैकेट यहाँ पड़ी मिलती है, शराब की बोतलें फूटी हुई मिलती हैं। ये सब यहाँ पर चल रहा है जिला मुख्यालय सिवनी में। सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन आप देखें, विधायक दिनेश राय आप देखें, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष आलोक दुबे आप देखें, दोनों मंडल के अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी के संजय सोनी, अभिषेक दुबे आप देखें यहाँ क्या चल रहा है। वास्तव में बहुत शर्मनाक यहाँ स्थितियाँ हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 582वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। अगर आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साई न्यूज के न्यूज चैनल पर जाकर इसे आप देख सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के सहयोगी अखिलेश दुबे के साथ लिमटी की लालटेन का 583वां एपिसोड लेकर बहुत जल्द हाजिर होंगे। फिलहाल इजाजत लेना चाहेंगे।